बागली अनुविभाग के उदयनगर थाना क्षेत्र में लंबे समय से स्थानीय पुलिस प्रशासन के संरक्षण में अवैध रूप से जुआ संचालित हो रहा था। मुखबिर की सूचना पर जिला पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित कर मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात्रि में जुए के अड्डे पर दबिश दी। उक्त कार्यवाही में बड़ी संख्या में जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उक्त कार्यवाही में नगद राशि सहित मोबाइल, दो पहिया और चार पहिया वाहन भी जब्त किए गए हैं। उदयनगर थाना क्षेत्र के रितेश शर्मा के खेत पर लंबे समय से अवैध रूप से जुए का कारोबार संचालित हो रहा था। एसपी की टीम द्वारा दबिश देकर उक्त कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई में दो प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें कुल 91,750 रुपये नकद जब्त किए गए हैं, तो वही 25 मोबाइल सहित 21 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। उक्त कार्रवाई में अधिकतर आरोपी बागली के शामिल हैं, तो वही इंदौर क्षेत्र से भी कुछ लोग जुआ खेलने आते थे। इतने लंबे समय से जब जुआ संचालित हो रहा था, तो स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।